हे व्हाट्सअप गैस, वेलकम बैक टू मी चैनल डीजे फोटो एडिटिंग। तो गैस, अगर आपको भी ऑनलाइन पर फोटो एडिटिंग सीखना है वो भी बहुत ही आसान तरीके से, तो आज का ये वीडियो को आपको जरूर देखना है, क्योंकि गैस आज मैं आपको ऑनलाइन पर बहुत ही बढ़िया फोटो एडिटिंग सीखने वाला हूँ। सो गैस, आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है एंड गैस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूले। तो चले गैस बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो गैस सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। तो गैस यह क्रोम ब्राउजर का ऑप्शन, सिंपली आपको क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करके यहाँ पर गैस आपको सर्च बार पर क्लिक करना है। तो सर्च बार पर क्लिक करके यहाँ पर आपको टाइप करना है PIXLR, पिक्सल आर सर्च करना है। तो गैस यहाँ पर मैं PIXLR सर्च करके यहाँ पर गैस आपको पहला वेबसाइट को ओपन करना है। तो गैस इसी वेबसाइट को ओपन करके यहाँ पर गैस आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले गैस आपको इस तरह से स्वाइप करना है। स्वाइप करके क्या करना है, यहाँ पर गैस आपको दो ऑप्शन मिलेगा फोटो को एडिटिंग करने के लिए, लेकिन गैस आपको बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो कैसे करना है यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको बिंग ऑल ऑटो रिमूव वाले पर क्लिक करना है। तो इसी ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर गैस आपको क्या करना है, यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर इस तरह से स्वाइप करके आपको ओपन इमेज पर क्लिक करना है। तो गैस यहाँ पर आपको ओपन इमेज पर क्लिक करके यहाँ पर आपको क्या करना है, फोटो को सिलेक्ट करना है। तो गैस यहाँ पर मैं कोई भी एक फोटो को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये फोटो को सिलेक्ट कर देता हूँ और गैस यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेस लेगा और ये बूम। तो गैस देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरह से हमारी जो बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है, बिल्कुल वन क्लिक में ही बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है। तो अभी आपको सेव करने के लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड इमेज पर क्लिक करना है। यहाँ पर डाउनलोड इमेज पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड हो जाएगा इमेज हमारी। तो बैकग्राउंड रिमूव बहुत ही आसान था, बैकग्राउंड तो रिमूव हो चुकी है, लेकिन गैस अभी आपको असली में एडिटिंग कैसे करना है, यहाँ पर आपको बैक चले जाना है। तो गैस यहाँ पर मैं बैक चलता हूँ। बैक जाकर के सबसे पहले गैस जो पहला ऑप्शन मिल रहा है स्टार्ट है न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। तो गैस आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर गैस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फोटो पर क्लिक करना है। तो गैस यहाँ पर आपको ये फोटो ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये रहा फोटो का ऑप्शन। सिंपल आपको ये फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके ओब्वियसली आपको फोटो को सिलेक्ट करना है, कोई भी एक फोटो को सिलेक्ट करना है। तो गैस यहाँ पर मैं ये फोटो को सिलेक्ट करता हूँ और गैस यहाँ पर आपको ओपन करने के बाद फोटो को यहाँ पर सबसे पहले गैस आपको रीफ्रेम पर क्लिक करना है। तो गैस यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये रहा रीफ्रेम का ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं रीफ्रेम ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और गैस यहाँ पर जो क्रॉप का ऑप्शन मिल रहा है तो इस टाइप से करके क्रॉप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्रॉप नहीं करूँगा, यहाँ पर इंटू करके बैक चलता हूँ और गैस रिसाइज पर क्लिक करके रिसाइज भी कर सकते हो। तो इस टाइप से रिसाइज पर क्लिक करना है और गैस यहाँ पर जो वेट हो इस टाइप से चेंज कर सकते हो, लेकिन गैस यहाँ पर चेंज भी नहीं करूँगा क्योंकि बाद में बताऊँगा रिसाइज कैसे करना है। अभी गैस आपको काम के टूल के बारे में बताता हूँ जो आपके काम आने वाला है। तो सिंपल आपको एडजस्ट टूल पर क्लिक करना है। तो गैस यहाँ एडजस्ट टूल, सिंपल आपको एडजस्ट टूल पर क्लिक करके यहाँ पर गैस सबसे पहले मिलेगा आपको ऑटो टूल। तो गैस यहाँ ऑटो टूल सिंपल आपको दिखा देता हूँ। ऑटो टूल पर क्लिक करके आप ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन गैस सभी फोटो में ये टूल काम नहीं करता है, इसलिए गैस आपको बताता हूँ आपको मैनुअली कैसे करना है। तो गैस सभी आपको यहाँ पर वाइब्रेंस टूल पर क्लिक करना है। तो वाइब्रेंस टूल पर क्लिक करके वाइब्रेंस को इस तरह से प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर मैं प्लस करके 100 कर लेता हूँ। तो गैस देख सकते हो बहुत ही अच्छा नेचुरल टोन आ चुकी है जो कि बहुत ही ऑसम लग रहा है। सो गैस अभी आपको स्ट्रक्चर टूल पर क्लिक करना है। स्ट्रक्चर पर क्लिक करके इस तरह से आप प्लस कर लेना है। स्ट्रक्चर को इस तरह से प्लस करके आपको जाना है, आपको हल्का सा प्लस करना है, आपको 16 के आसपास रखना है। और गैस आपको टेम्परेचर पर क्लिक करके टेम्परेचर को इस तरह से माइनस कर लेना है। तो माइनस करने पर ही बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद गैस आपको यहाँ पर टिंट पर क्लिक करना है। तो इस तरह से स्वाइप करके आपको टिंट पर क्लिक करके टिंट को इस तरह से माइनस ही रखना है। तो टिंट को माइनस करके आपको 30 के आसपास रखना है और गैसे ह्यू को छोड़ करके आपको इस तरह से स्वाइप करना है। तो यहाँ पर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट और यहाँ पर हाईलाइट और शैडो भी मिलेगा। तो आपको शैडो पर क्लिक करना है। तो शैडो पर क्लिक करके शैडो को इस तरह से प्लस कर लेना है। तो आपको हल्का सा शैडो इस तरह से प्लस करके आपको हाईलाइट टूल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट टूल पर क्लिक करके यहाँ पर हाईलाइट को भी इस तरह से माइनस कर लेना है। हल्का सा माइनस करके आपको 10 के आसपास रखना है। और कैसे यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही ऑसम लग रहा है। तो यहाँ पर आपको बिफोर आफ्टर भी दिखा देता हूँ। ये रहा बिफोर एंड आफ्टर। तो बहुत ही ऑसम लग रहा है बिफोर आफ्टर। तो बहुत ही ऑसम लग रहा है। सो गाइस अभी आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है। यहाँ पर गाइस आपको बैक जा करके आपको और एक काम करना पड़ेगा। तो क्या करना है, आपको यहाँ पर फिल्टर टूल पर क्लिक करना है। तो गाइस ये रहा फिल्टर टूल, सिंपल आपको फिल्टर टूल पर क्लिक करना है और गाइस यहाँ पर लाइट रूम की सारा टूल मिल जाएगा। तो सिंपल आपको शार्पनिंग टूल पर पहले आपको क्लिक करना है और गाइस आपको शार्पनिंग को इस तरह से 50 के अराउंड आपको प्लस करना है। और गाइस आपको क्लैरिटी टूल पर क्लिक करके क्लैरिटी को भी आपको हल्का सा प्लस कर लेना है। और गाइस आपको स्मूथ पर क्लिक करना है, स्मूथ टूल पर, स्मूथ को भी आपको हल्का सा प्लस करके, हल्का सा नहीं यहाँ पर मैं 100 प्लस कर दूंगा, बहुत ही ऑसम लगेगा। और गैस यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से स्वाइप करें और यहाँ पर जो काम का चीज़ है यहाँ पर बिगिनर इफेक्ट। तो ये बिगिनर इफेक्ट को आपको हल्का सा प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर मैं हल्का सा बिगिनर इफेक्ट को दे देता हूँ और गैस आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है। एंड गैस आपको और एक मस्त टूल मिलता है, यहाँ पर आपको इफेक्ट टूल भी मिलता है। तो गैस ये रहा इफेक्ट टूल, आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इफेक्ट टूल, तो आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, बहुत सारे इफेक्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो मस्त इफेक्ट है तो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको टून इफेक्ट पर आपको अप्लाई करना है, जो टोनी इफेक्ट, तो ये टोनी इफेक्ट पर क्लिक करना है। एंड गैस यहाँ पर आपको बहुत सारे बहुत ही अच्छा अच्छा इफेक्ट मिल जाएगा,
तो ये फिट को अप्लाई करके आपकी जो फोटो एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल बना सकते हो। तो अभी हमारी फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन यह सभी आपको सेव कैसे करना है, तो सेव करने के लिए आपको ये सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इसी ऑप्शन पर क्लिक करके आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन मिल रहा है, ये जो क्वालिटी का ऑप्शन, इसको आपको 100 कर लेना है। उसके बाद कैसे आपको यहाँ पर जो वेट को आपको क्या करना है, वेट पर क्लिक करना है और कैसे आपको ये 1 को हटा देना है। तो 1 को हटा करके आपको 3 कर लेना है और कैसे आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर डाउनलोड कर देना है तो डाउनलोड हो जाएगा। सो गैस हमारी फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो गैस आई होप आपको एडिटिंग अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले। तो चलेगा, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।